जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भंडारे का भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। किसी ने पूछा कि भंडारे का भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बता देता हूँ आपको। कई लोग भंडारा करते हैं और बहुत से लोग इसमें खाना भी खाने जाते हैं, लेकिन खाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भंडारा करते समय करने वाला व्यक्ति कौन है। जो भंडारा कर रहा है वहां पे इतने बड़े बड़े पत्तल खाने के ताली लगे, वो कौन कर रहा है? कहीं उसने वो भंडारा पाप की कमाई से तो नहीं की है, या फिर भंडारा पाप की कमाई कर लेते हैं और उसके बाद भंडारा कर लेते हैं, चलो आज भंडारा करेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे। कहते हैं जैसा धन वैसा मन। आपको क्या पता कि जो व्यक्ति भंडारा कर रहा है उसकी कमाई ईमानदारी की है या पाप की है? आप नहीं पता कर पाएंगे ये बात, बट भंडारा किया है, खाना तो ही पाप की कमाई से भंडारा किया है, तो कहीं ना कहीं उसके पाप का अंश आप में भी विद्यमान हो जाएगा अगर आपने उस भंडारे को खाया तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर आदमी पाप की कमाई से भंडारा करता है। मैं आपको इसके लिए कहानी का एक उदाहरण दे रहा हूं, एक कहानी साझा कर रहा हूं आपके साथ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक बार एक सेठ ने भंडारा किया और उसमें उसने एक साधु बाबा को भी निमंत्रण दिया, मतलब न्योता दिया, उनको बुलाया साधु बाबा को। साधु बाबा उस नामी सेठ के न्योते पर भंडारा खाने के लिए आ गए, मतलब जहां उन्होंने भंडारा किया था वहां पे पहुंच गए। सेठ ने बहुत अवगत की साधु बाबा की, उनकी आगे पीछे किया, साधु बाबा आए थे और उनके लिए खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। यह देखकर साधु महात्मा संतुष्ट हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन वह बहुत ही ज्ञानी महापुरुष थे, जो साधु उनके पास आए तो ज्ञानी महापुरुष थे। जब वह भोजन करके जब साधु जी ने भोजन कर लिया, उसके बाद वो विश्राम करने के लिए लेटे, तो उनके आंखों के सामने पता है आपको एक चित्र आया, मतलब एक चित्र देखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने देखा एक 16-17 साल की लड़की का चित्र उनके आंखों के आगे घूमने लगा। वह आराम नहीं कर पाए तो उन्होंने सेठ जी को बुलाया और पूछा कि उनके पास इतनी सारी दौलत कहां से आई, कहां से लेके आया वो इतनी सारी दौलत। तो सेठ जी भी उस पुण्यात्मा के सामने झूठ नहीं बोल सके, जो सेठ जी ने भंडारा किया था वो झूठ नहीं बोल सके साधु जी के सामने, और उसने कबूल किया कि वह एक भले आदमी के यहाँ मुंशी का काम करते थे, मतलब मुंशीगिरी थे, अकाउंटेंट, जिसको आज की डेट में अकाउंटेंट बोलते हैं, और उनके पैसों का हिसाब किताब वो रखते थे, मतलब मुंशी के सारे पैसों का हिसाब किताब रखते थे। उनकी मुंशी जी की एक बेटी थी, उस भले आदमी की मौत के बाद उसने धोखे से उनकी सारी धन दौलत पर कब्जा कर लिया। कब्जा कैसे कर लिया था, जब उनकी लड़की छोटी थी, 16 साल की लड़की थी, बेटी थी, उसके झूठ बोल बोल के हस्ताक्षर करवा लिए सारी प्रॉपर्टी पे। अब इस तरह से उनके पास दौलत आए। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी, जो साधु थे, जो उनके यहाँ भंडारा खाने आए थे, उनकी आंखें खुल गई और तभी से उन्होंने भंडारे का खाना खाना छोड़ दिया। मतलब तब से उनका मन में ये आ गया कि नहीं, ये पाप की कमाई है, कैसी कमाई, उन्होंने भंडारा खाना छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि भंडारे के लिए खर्च किया हुआ पैसा कैसा है, किस प्रकार से वह धन को कमाया गया है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से अर्जित किया गया वो धन, जहाँ पे ये भंडारे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, यही कारण है कि भंडारे का खाना नहीं खाना चाहिए। अब आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि देखिए पैसे वालों की कमी नहीं है दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन करोड़पति अरबपति हैं, बट वो पैसे वो कहाँ से कमा रहे हैं? आप भी इस दुनिया में रहते, हम भी इस दुनिया में रहते, सबको पता है कौन कैसा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा अंदर से जागृत हो जाती है, बहुत सारे पाप कर लिया, अब जागृत हो गई, चलो अब इस पाप को धोना कैसे है, तो लोगों को खाना खिलाते हैं, भंडारा कराते हैं, बड़े बड़े आयोजन कराते हैं पाप, अपने पाप को धोने के लिए। उस पैसे को आंशिक तौर पर लगता है कि इतना धन कमाया है पाप से, तो इससे हम भंडारा कर देंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे, तो इसलिए भंडारा करवा लेते हैं। अब जो उस भंडारे को खाने के लिए आता है वो भी उनके पाप के भागीदार हो जाते हैं। बट ये आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये ईमानदार व्यक्ति ने करवाया भंडारा या पाप की कमाई से कराया? नहीं पता कर सकते, ना ही आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, भंडारे का खाना खाना है
या नहीं खाना है, यह आपके ऊपर है, मैं किसी को दोष ही नहीं दे रहा हूं, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको बताना, समझाना, मानना नहीं मानना आपका काम। जय श्री श्याम। इस वीडियो को देखने के लिए, आगे और एक वीडियो लेके आऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। जय श्री श्याम।